मैंने वहाँ से कर ली थी, तो मेरा बेसिक्स कवर हो गया, कुछ कुछ न्यू क्वेश्चंस तो जो कवर हो गए, और मुझे इतना अंदाजा लग जाता था कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस। उसके अलावा बिलीव मी, आपको एक भी बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा लग जाना चाहिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ के कि लास्ट में क्या पूछा गया होगा, ऑप्शंस किस तरह से सेट होंगे। उस बुक को, सिर्फ उसी बुक को करो। उसके अलावा आपको मेंस के लिए कोई भी न्यू क्वेश्चन करने की, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको पीडीएफ मेंस के लिए करने की जरूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज सुष्मिता शर्मा वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एएसओ ब्लॉग्स। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स वेल। आप लोगों में से बहुत लोगों का सिलेक्शन 2022 के एग्जामिनेशन से हो गया होगा, तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशंस। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि स्क्रैच से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, या जिनको एक राइट लिमिटेड कंटेंट यानी कि बुक लिस्ट की जरूरत। मैंने अपनी फुल प्रिपरेशन में, चाहे वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था, बुक लिस्ट चेंज नहीं करी, क्योंकि मैंने जो बुक चूज किए थे वो एक स्टैंडर्ड बुक थे। उसके अलावा बिलीव मी, आपको एक भी बुक एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज SSC सच अ एग्जाम जहाँ पर रिपीटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप बहुत जगह से न्यू चीजें करोगे, दैट विल बी ऑफ नो वर्थ। तो आप लिमिटेड रखो कंटेंट को और प्रिपेयर करो बुक से, एंड देन मॉक से इम्प्रूवमेंट लाओ। 10 बुक्स को मत करो। सो गाइस, कम टू द फर्स्ट सब्जेक्ट जो कि है मैथ्स, जिसमें कि सबसे ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पर भी और ऑफलाइन भी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है। बट मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान सिलेबस जब कंप्लीट करने की बारी आई, मतलब जब मैं टीचर से पढ़ रही थी या यूट्यूब से पढ़ रही थी, और आपको चाहिए होता है कि क्वेश्चंस आपको मिले जहां से आप प्रैक्टिस कर पाओ इनिशियली, तो उसके लिए राकेश यादव पब्लिकेशन की जो 7300 की बुक्स थी उस टाइम, अभी अपडेट हो गई होगी, और उसके साथ एडवांस बुक आती है राकेश यादव पब्लिकेशन की, इन दोनों बुक के अलावा और आपको एक भी बुक करने की जरूरत नहीं है जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो। तो नाउ गाइस, आप जब इन दोनों बुक्स को एटलीस्ट आप 5-5 बार कर लो, और ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सोचो कि एक बार कर लो और वो कॉन्फिडेंस आ जाए, सब कुछ आ जाए, तो नहीं होगा। आपको मल्टीपल टाइम्स इन्हीं दो बुक्स को करते रहना है। इसके बाद जब आप बुक्स कंप्लीट कर लो तो आप प्रैक्टिस मोड में आ जाते हो। उस टाइम आप प्री के लिए ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। वो आप PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। एटलीस्ट प्रीवियस 2 ईयर्स के जितने भी पेपर उनको आप 10-10 बार लगा लो। ऐसा हो जाना चाहिए कि क्वेश्चंस आपको याद हो जाने चाहिए। आपको ऐसा लग जाना चाहिए क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ के कि लास्ट में क्या पूछा गया होगा, ऑप्शंस किस तरह से सेट होंगे। तो ये सब तब आएगा जब आप क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स करने लग जाते हो। तो प्री के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए PDF से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना है, नथिंग एल्स, नो बुक, नथिंग। तो गाइस, अब क्वेश्चन आता है कि हम मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मुझे एक बुक बहुत अच्छी लगी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, गगन प्रताप सर के मेंस के क्वेश्चंस की कंपाइलेशन आती है। वो बुक अच्छी इसलिए है क्योंकि वो एरर फ्री बुक है और बहुत अच्छे से सेट करके क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। तो आप मेंस के लिए आप रिस्ट्रिक्टेड रहो ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जो CGL के लिए दे रहे हैं दैट मीन्स उनको सिर्फ CGL की लगाने की जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। आप CGL, DHSL एंड CPO इन तीनों एग्जाम्स के जो अपडेटेड क्वेश्चन है एटलीस्ट प्रीवियस 2 ईयर्स का, उसको आप बिल्कुल रट लो, बिल्कुल अच्छे से कर लो। तो गाइस, इतना करने के बावजूद भी बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि वो मॉक में अटेम्प्ट नहीं कर पाते, टाइम मैनेज नहीं कर पाते, टाइम देकर घबरा जाते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये जो चीजें है ना, वो आपकी बुक से अब सॉल्व नहीं होंगी। आप कितने बार भी बुक लगा लो, जब तक आप मॉक नहीं देते हो, टाइम फ्रेम में आप नहीं बैठते हो उस टाइम पर, तब जाकर के ये इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो पाएंगी। तो आपको सब कुछ करने के बाद मॉक पर ध्यान देना है, उसकी इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, एनालिसिस पर ध्यान देना है, अब आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देना है, दैट्स इट। कोई बुक नहीं लगाने इसके बाद। तो गाइस, लेट्स कम टू द सेकंड सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। नन अदर देन नीतू मैम की बुक जो है Volume 1 and Volume 2, ये आपके 70% सिलेबस कंप्लीट कर देगी। ये 70% इनफ है ग्रामर के लिए एंड वोकैबुलरी दोनों के। तो इन दोनों बुक्स को आपको 20 बारी कर लेना है, ताकि आपको ग्रामर के रूल्स याद हो जाए, वोकैबुलरी याद हो जाए। बहुतों का वो रहता है कि यार वोकैब याद नहीं होते, तो उसका कोई और अदर सॉल्यूशन नहीं है, रादर देन आप बार बार करो। 10 बार नहीं होता, 20 बार करो, 30 बार करो, बट हो जाएगा जरूर। idioms भी, सारी चीजें रिटेंशन के ऊपर है, आप धीरे धीरे करोगे तो हो जाएगा। नाउ वंस आपने एक बार सिलेबस नीतू मैम के बुक से कंप्लीट कर लिया, वहां से क्वेश्चन लगा लिए, अब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। तो मैंने अपने टाइम पर, जो कि अभी भी बहुत प्रेवलेंट है, MB बुक आती है एक, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कंपाइलेशन
क्वेश्चन होते हैं, सीजीएल के भी होते हैं, सीएचएसएल, सीपीओ सबके होते हैं, तो आप उस बुक को कम से कम 15 से 20 बार लगाओ, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस तक याद हो जाएंगे। और बहुत से लोग छोड़ देते हैं वो है एमबी बुक के पीछे, मतलब एक सेट के पीछे दिए रहते हैं जो वोकैबुलरी, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप जरूर करो, क्योंकि उससे आपकी वोकैब बिल्कुल एनहेंस हो जाती है। एंड आपको लग रहा होता है ना कि न्यू वोकैब कहां से आती है, तो आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि सारे वोकैब जो मुझे पहले नहीं आ रही होती थी वो वहां से मेरी कवर हो गई। तो आप उसको जरूर से जरूर करो। अब क्वेश्चन रहता है हम आरसी कहां से करें, क्लोज टेस्ट कहां से करें, तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, एमबी बुक लगा रहे होंगे, तो वहीं से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। सो वंस यू कंप्लीट नीतू मैम की बुक एंड एमबी बुक, उसके बाद आप सिर्फ प्रैक्टिस मोड में रहो। वो आप कहां से करोगे, तो जैसा कि मैंने कहा कि अपडेटेड जो 2 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल के, आप बस उनको ही लगाओ, उससे ज्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये एनफ है, एक्चुअली एनफ। लेट्स कम टू द सब्जेक्ट रीजनिंग। हमारे टाइम पे रीजनिंग थोड़ी सी इजी आती थी, बट अब रीजनिंग का लेवल काफी अच्छा हो गया है, बट स्टिल आपको रीजनिंग के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है। आप रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब करो, तो रीजनिंग एक दिन में एक सेट दो सेट लगा लो। उसके बाद अगर आप कहीं अटक रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इमेजेस वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है या फिर सीरीज वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, कोई भी टॉपिक, तो जस्ट आप इसको यूट्यूब पे सर्च करो उस टॉपिक को, और किसी भी टीचर की वीडियो देखो, वो आपको 5-6 ट्रिक्स बताएंगे, उसको कहीं नोट कर लो, रिवाइज कर लो, एंड देन वापस अप्लाई करो। देखो आपका टाइम भी कम हो जाएगा उसको करने का, और फिर आप अटकोगे भी नहीं। बट मेरी रिक्वेस्ट है, आप रीजनिंग के लिए कोई बुक पकड़ के मत बैठ जाना, दैट इज टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम। अब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कहाँ से करें रीजनिंग के लिए, तो वही है सीजीएल सीएचएसएल एंड सीपीओ के क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जाओ, स्पेशली सीपीओ के क्वेश्चन, क्योंकि मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तब मुझे सीपीओ के क्वेश्चन के रीजनिंग्स काफी स्टैंडर्ड लेवल के लगे थे, और जितने भी न्यू कॉन्सेप्ट्स है ना जो अब आ रहे हैं वो पहले आ चुके हैं सीपीओ में, तो आप सीपीओ के क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसको बहुत अच्छे से कर लो रीजनिंग को, वो आपको बहुत कुछ सिखा देगी। तो गाइस कम टू सबसे ज्यादा डिबेटेबल की जीएस कहाँ से पढ़े, कैसे हम कवर कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आप जीएस कितना भी पढ़ लो आप 100% अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, तो आप जीएस में ना एटलीस्ट इतना कर सकते हो कि आप बेसिक्स कवर करके जाओ। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को किसने खोजा, वो भी आपको नहीं पता, तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वो सबको पता होगी, अगर आपको पता नहीं होगी तो आप बहुत लैग कर जाओगे। या अगर किसी ने पूछ लिया राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए कितनी एज चाहिए होती है, तो ये जो बेसिक्स क्वेश्चन है ये तो आपको एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको आने ही चाहिए। बट अगर बहुत वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी की जरूरत है, वो आपको छूट भी गया, तो बहुत लोग छोड़ रहे होंगे, तो दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया था कि पहले वेटेज देख लिए थे कि किस सब्जेक्ट की क्या वेटेज है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी का अच्छा वेटेज है, हिस्ट्री का अच्छा वेटेज है, ज्योग्राफी का अच्छा वेटेज है, तो इन सब सब्जेक्ट्स को मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक से कर ली थी, क्योंकि किरण पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन आती है, इंपॉर्टेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट के क्वेश्चंस पॉलिटी में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप जब भी मॉक करोगे ना, तो इस टाइप की चीज़ों को वहां से आप थोड़ा रिवाइज कर लेना, आपको जीके में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स जीएस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप बहुत टाइम के का तो नहीं कर सकते, बट आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप श्योर कर लो कि हाँ ये तो मुझे करके जाने हैं, ये बिल्कुल अच्छे से होने चाहिए। सो जीएस के लिए आई थिंक इतना सफिशियंट है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए जीएस के लिए घटना चक्र एक अच्छी बुक है, वो कंपाइलेशन होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो। सो गाइस कम टू अ न्यू सब्जेक्ट दैट इज कंप्यूटर, जो अभी अभी ऐड हुआ है, तो उसके लिए आप अरिहंत की बुक कर सकते हो, ये कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है दिस बुक, एंड इसके साथ आप शुभम जैन सर के चैनल पर उन्होंने कंप्यूटर के बेसिक अवेयरनेस के वीडियोस डाले हुए हैं, आप वो देख सकते हो, ये आप कंप्यूटर के लिए एनफ है। गाइस इस वीडियो में मैंने आपको जो बुक लिस्ट बताई है ये एसएससी के लिए श्योर शॉट एनफ है, इसके अलावा आपको एक भी बुक अलग से करने की जरूरत नहीं है। बस जितनी इम्प्रूवमेंट है वो आपके मॉक के थ्रू होगी, बुक के थ्रू नहीं होगी। इसी बुक्स को अगर आपने मल्टीपल टाइम्स फुल डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी के साथ लगाते रहें, तो आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन 100% श्योर शॉट। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो सब्सक्राइब करो यार एंड लाइक करो एंड कमेंट करो, अगर आपको किसी और हेल्प की जरूरत है, कुछ और क्वेरीज आपके दिमाग में आती है, मैंने कमेंट्स के आंसर्स भी दिए हैं एक वीडियो में, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हो, जिसमें बहुतों ने बहुत सी क्वेरीज पूछी थी, तो आप अपने डाउट्स भी कमेंट्स में डाल सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।